ओला और उबर के आने की वजह से लोग गाड़ियां नहीं है जो कम खरीद रहे हैं? कम तो नहीं खरीद रहे, कह रहा था कुछ नहीं है कि कम खरीद रहे हैं। बेसिकली क्या है कि लोगों को चीप पड़ रही है, ठीक है। अब हर कोई अपने दिल्ली के अंदर इतना दिक्कत हो गई है बिजनेस की कि हर कोई अपना एक्सपेंस कम करना चाह रहा है, ठीक है। अब जैसे अगर आप देखोगे कि कोई बंदा नई गाड़ी लेता है, 10 लाख रुपए की गाड़ी ले रहा है, उसकी कम से कम 15 से 18 हज़ार रुपये EMI जाएगी, ड्राइवर रखेगा, पेट्रोल हो गया, आपके मेंटेनेंस होगी, तो उसका कम से कम अराउंड 25 से 30 हज़ार रुपये महीने का एक गाड़ी पे कोस्ट आ जाती है, ठीक है। और उसको अप डाउन होता है डेली ऑफिस से घर, या थोड़ा बहुत इधर अगर टाइमिंग मिल गया है वीकेंड के अंदर चले गए उसने। अब यही चीज़ ओला उबर में वो ट्रैवल करता है तो उसका अराउंड 5 से 6 हज़ार रुपये में मंथली हो जाता है इजीली काम। हाँ, तो वो क्या कर रहा है, ऊपर से अब सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली से गवर्नमेंट ने चलान इतने बढ़ा दिए हैं कि बंदा क्या करेगा। वो कहेगा भैया मैं अपनी गाड़ी से अच्छा मैं टैक्सी में ही चला जाऊँ, टूट फूट होगी, कुछ हो गया, कई बार इंश्योरेंस नहीं है, कुछ नहीं है, तो क्या फ़ायदा गाड़ी निकालने का। पहले की तुलना में जो अब ओला की ओला उबर की कमाई है वो कैसे है, और आपकी पहले की तुलना में और अब की तुलना में कमाई? तो जी मतलब 20% भी नहीं है। क्यों, क्या कहते हैं? पहले जो कंपनी ने लालच दिया इंसेंटिव का, ये सब कुछ उसके अकॉर्डिंग कंपनी ने ज्वाइनिंग करवाई। एक्चुअली में ना मेन कम जो अगर आज आप देखोगे ऑटो सेक्टर मार्केट जो है मंदी में, हाँ मंदी में जा रही है, मंदी में वो जा नहीं रही है। एक्चुअली मार्केट जो उठाने वाली जो चीज़ थी ना वो थी ओला उबर। अगर आप गाड़ियां देखोगे जो प्राइवेट सेक्टर की, सरकार कह रही है अभी कि जो ओला उबर आने के कारण ही है जो नई गाड़ियां लोग कम खरीद रहे हैं। नहीं सर आप समझे नहीं, गवर्नमेंट अपने तरीके से देख रही है। अगर आप देखोगे मार्केट के अंदर आज के टाइम पे दिल्ली के अंदर आप टैक्सी जो चल रही है, हमने 2.5 से 3 लाख टैक्सियाँ चल रही हैं, ठीक है, ओला उबर में, ठीक है। और उसके बाद आप जो प्राइवेट जैसे ये हो गए आपका ट्रैवल वाले, इन पे भी चल रही हैं, होटल्स में भी चल रही हैं, ठीक है। अगर आप ग्राफ देखोगे तो जब 2014-15 में जो ग्राफ था वो मारुति का और हुंडई का वो बढ़ा, क्यों बढ़ा? क्योंकि ओला उबर आई, उन्होंने लोन बांटे, लोन के अकॉर्डिंग गाड़ियां ऐसे में कि 3-3 महीने 4-4 महीने की वेटिंग चल रही थी। अभी 41% के वही मैं बता रहा हूँ ना सर आपको, वेटिंग चल रही थी। तो अगर आप उसे कैलकुलेट करोगे ग्राफ से उस टाइम पे बिक्री है, अगर आप गवर्नमेंट ये जो कंपनियां कहती हैं, ये कहती हैं कि 1,56,000 हम गाड़ियाँ एक महीने की इनकी सेल होती थी, ठीक है ना। आप उसमें सेल में ये देखो ना कि कितनी टैक्सी होती थी, वो तो पूरा सेगमेंट बता रहे हैं आपको जी कि पूरी गाड़ियाँ कितनी हैं। उसमें से आप देखोगे 80,000 प्राइवेट गाड़ियाँ होंगी और 80 से ऊपर गाड़ियाँ, लाख गाड़ियाँ कम से कम इनकी टैक्सी निकलती हैं। आप अथॉरिटी में जाके देखते हो उस टाइम पे, अथॉरिटी में इतना टाइम नहीं था कि वो रजिस्टर कर दे गाड़ियाँ, 2-2 महीने बाद रजिस्ट्रेशन हो रही थी गाड़ियों की, क्यों हो रही थी? टैक्सी इतनी बिकी जा रही है। तो कंपनी तो ये देखेगी ना मेरा प्रॉफिट है। अब जो कंपटीशन ओला और उबर में चल रहा है जो इसमें गाड़ियां जो नहीं आ रही है, नहीं बहुत कम आ रही है, नहीं तो बहुत कम हो, खत्म हो गया। जो अगर जिनको नहीं समझ में आ रहा अभी भी, देखो बिजनेस इस टाइम मार्केट में है नहीं, लोग हर कोई सोचता है, पुरानी अफवाह अभी भी चल रही है कि भैया 2 पैसे इसमें कमा लेंगे, ठीक है। अगर आप ओला उबर की आज के टाइम में बात करो तो मैं जस जैल में ब्रांच मैनेजर था, मैं वहाँ से छोड़ के आया जॉब, ठीक है। मैंने बिजनेस स्टार्टअप किया, जब स्टार्टिंग आई थी नो डाउट 1.25 लाख रुपए कमाई होती थी, ये नहीं कहेंगे, वो इंसेंटिव से होती थी, हमें कस्टमर से मतलब नहीं होता था, प्लस फेयर होता था। अगर कंपनी कस्टमर से 10 रुपये फेयर ले रही है तो हमें 14 रुपये मिलता था, ठीक है। तो उस टाइम पे अगर हमारे पास डीजल गाड़ियाँ थी तब भी हम सर्वाइव कर लेते थे कि डीजल गाड़ियाँ में तब भी प्रॉब्लम नहीं होती थी। आज आप देखो उस टाइम से आज के टाइम में जाम एक तो बढ़ गया है मार्केट के अंदर। अगर आप एक बुकिंग करने जा रहे हो उस टाइम पे 20 मिनट में जो बुकिंग होती थी वो बुकिंग आज 1-1 घंटे में हो जाती है, लगता है टाइम, ठीक है। प्लस फेयर 6 रुपये फेयर है, 6 रुपये में से 26% कमीशन है, 4 रुपये में और 3 रुपये गाड़ी हमें पड़ती है, 1 रुपये में हम कमा रहे हैं, क्या कमा लोगे आप? घर भी है कि काफ़ी मंदी आई, मंदी तो आई जी, बेच भी नहीं पा रहे, बैंकों के लोन चढ़े हुए हैं, इसलिए ओला उबर में चल रही है। आप ओला उबर किसी भी ड्राइवर से बात कर लो जिसकी गाड़ी फ्री है, ओला उबर में चला ही नहीं रहा हूँ।
वो सिर्फ ओला उबर में इसलिए चला रहा है कि उसकी गाड़ी के पंगे पड़े हुए हैं, गाड़ी की किस्त है। आप बैंक वालों को तो पैसा चाहिए ना लोगों, आप घर जाके देखो कितनी किस्तें बाउंस है, बैंक में जाके देखो, और आप जाके निकलवाओ गाड़ी ओला उबर के नाम से जो इन्होंने बांटी है। कंपनी बैंक वाले आपको लोन ही नहीं करके दे रहे, कहो कि मुझे गाड़ी चाहिए और वो पहले आपसे पूछेंगे कहाँ लगानी है, आप कह दो मुझे ओला उबर कर लगानी है, आपको गाड़ी फाइनेंस ही नहीं करके देंगे, मना कर देंगे। इतना बना बैंक करप्ट हो गए हैं, लोन नहीं दे पा रहे लोग, तो कहाँ से क्या करेंगे वो देखे। जिस हिसाब से लोगों ने बांटा है लोन, वो वापिस ही नहीं आया तो बैंक भी क्या करेगा। पहले एक एफिडेविट लेटर लेके आओ ओला उबर का, अब गाड़ी ले लो। के बाद बहुत ज्यादा 2008 से पहले 18 करोड़ के करीब लोन बांटे गए थे, परंतु अब 2008 के बाद अब तक अब थोड़े कम हो गए लोन बांटने, क्योंकि बैंकों से बहुत ज्यादा करप्ट वो लोग भाग जाते थे बाहर। तो 2014 से पहले 2008 और 2014 के बीच के सेशन में 56,000 करोड़ रुपए के लोन बांटे थे, जो वापस नहीं है। मैं आपको एक चीज बताऊं, जब मैं जॉब करता था ना, मैं आज के टाइम में क्या बोलूं कि मैं से लागुना सुखी था, जॉब भी थी मार्केट में, ये नहीं कहूँगा आपके पास कि आपके पास जॉब नहीं थी, आप एक छोड़ो दूसरी आपके पास जॉब अवेलेबल होती थी, इतना बुरा हाल नहीं था। समझ रहे आप कि आज के टाइम में अगर आप जॉब सर्च करने जाओ, कि आज जो मैं आज से 4-5 साल पहले अगर मैं 45,000 की नौकरी छोड़ के आया हूँ, तो वो नौकरी वही सेम, अगर आप MBA करके आप एजुकेटेड पर्सन हो और आप 12-15 हज़ार पे में काम कर रहे हो, अरे बहुत गवर्नमेंट की लेबर भी 750 रुपये की होगी, है गवर्नमेंट जो फिक्स लेबर प्राइस रखा हुआ है, फिर तो ये प्राइवेट सेक्टर वाले 10,000 रुपये में कैसे रख रहे हैं, मुझे ये बताओ। आप जॉब सर्च कर लो अखबार में, कहीं भी आप पोस्ट कर लो, 10-15 हज़ार रुपये की सैलरी है, बंदा एजुकेटेड बंदा क्या करेगा, नहीं मिल रहा रोटी तो खानी है ना उसने, किराया भी देना मजबूरी है उसकी, वो तो कहीं ना कहीं तो रहेगा ही ना, दिल्ली के अंदर रहना मुश्किल है, गांव में तो उसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है, घर में तो उसका खाना आ रहा है, पैसा थोड़ा बहुत चाहिए वो काम कर लेगा, लेकिन जो बंदा अपना घर बार छोड़ कर यहाँ पे आया हुआ है कमाने के पर्पज से आया हुआ है, उस आप दिल्ली के अंदर रेंट देख लो, एक कमरे का रेंट भी अगर आप लोगे झुग्गी पे भी लोगे ना, कम 5-3 हज़ार 3.5 हज़ार तो एक मतलब ऐसा है कि उसमें लेटरिन बाथरूम कॉमन होगा, उसमें वो चोल टाइप का होगा, ठीक है। अगर आप नॉर्मल फैमिली अगर आप वाइफ के साथ आ रहे हो तो 7,000 रुपये का 50 गज का मकान मिलता है आज के टाइम में, 7,500 रुपये का। अब जिस फैमिली की 15,000 रुपये इनकम हो, अब कहीं भी ड्यूटी जाने के लिए उसे कम से कम बस का भी सहारा लेगा, तो बस कौन सी सस्ती है, 20 रुपये दिन का किराया तो लगेगा एक तरफ का, अगर पास भी बनवाएगा 350 रुपये का पास भी लगेगा, उसके बाद राशन है सब कुछ है घर में, आप आटा दाल चीनी देख लो, कुछ भी देख लो, और जो अगर आप जॉब भी कर रहे हो उसमें भी आपको कम से कम एक बाइक तो चाहिए होगी, वो भी अगर आप फील्ड का काम भी करते हो तो उसमें पेट्रोल आप 73 रुपये चल रहा है, तो बंदा कहाँ सर्वाइव कर पाएगा, 5-7 हज़ार रुपये में सर्वाइव कर लेगा, ऊपर मेडिकल फैसिलिटी भी कहाँ है बताओ। अब बंदा घर में बुखार भी हो जाए तो प्राइवेट हॉस्पिटल भी नहीं जा पाएगा, उसको रात को इमरजेंसी होगी वो कहीं नहीं जा सकता, कोई दुख है सुख है 5,000 रुपये में बंदा क्या बचाएगा भी क्या। चलो जी, शुक्रिया आपसे बात करके, बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की खास कवरेज ओला और उबर को लेकर। अभी जो फिलहाल निर्मला सीतारमण जी ने अपना जो एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो ऑटो सेक्टर है उसमें मंदी का कारण एक बड़ा यह है कि ओला और उबर की पर लोग जो अपनी ड्राइविंग करने लगे हैं और ओला और उबर पर सवारी करने लगे हैं, जिसके कारण ऑटो सेक्टर में मंदी आ गई। आपकी इस वीडियो पर क्या राय है हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब हिंद वॉइस। धन्यवाद।